अच्छा एक इंटरेस्टिंग बात तो आई मेट जैद अली वंस इट वॉज़ 2018 और 2019 आई गेस और उनकी वाइफ भी साथ थी और माशाल्लाह आई मेट देम दे आर वेरी गुड पीपल बड़ा अच्छा लगा उनसे मिल के इट वॉज़ एक्चुअली कश्मीर में मैं ट्रिप पे था तो वो भी वहाँ थे तो मैंने सलाम दुआ की वेरी रीजनेबल पीपल वेरी गुड पीपल माशा उसका कंटेंट बहुत वायरल हुआ उस तौर में कॉमेडी एंड टी के हैं उसको यस एग्जैक्टली एग्जैक्टली तो आ, एक दिन मैंने उसकी एक तस्वीर देखी आई थिंक 2020 में 2021 में अब मुझे याद नहीं आ रहा माशा द कपल वाज हैविंग अ बेबी और उन्होंने जेंडर अनाउंस की पूरी एक पार्टी रखी उसके बाद फिर वो जो उनका माशाला बेबी की बर्थ हुई उसकी पूरी एक पार्टी रखी जेंडर रिवील आ, जेंडर रिवील पार्टी अब देखिए मैंने मैंने ना वहाँ पे कमेंट किया hmm. उसके स्टेटस पे उसके पिक्चर पे मैंने कहा कि जैद आई मेट यू माशा वेरी रिजनेबल पर्सन और आई होप कि ये मेरी एडवाइस आपको इन यू विल इसमें आप गौर करेंगे तो मैंने कहा यार देखो जैद uh, हमारी जो यूथ है ना पहले ही बहुत कन्फ्यूज है hmm. और घरों में ना लिटरली आग लगी हुई बे है बेसकूनी uh, है फादर्स परेशान हैं हमारी जो मिडिल क्लास फैमिलीज़ हैं उनको लाले पड़े हुए हैं कि यानी पैसा पैसा स्टेज सेट कराना है डिकोर वाले को बुलाना है ये करना है अब इस फंक्शन पे। पीपल आर लिविंग फेक लाइफ यानी दे हैव टू गिव गिफ्ट्स, दे हैव टू सेलिब्रेट देर एनिवर्सरीज दे हैव टू सेलिब्रेट देर बर्थडेज ना करो तो वो उस पर लड़ाई होती है मैंने कहा यार व्हाट ट्रेंड आर यू सेटिंग बाय दिस जेंडर रिवील मतलब ठीक है आपने करना है आप कर लो

Hmm. आप मुझे एक बात बताएं कि एक शादी ब्याह के अंदर एक गरीब बंदा जब अपनी बेटी की शादी करता है hmm. उसको लाले पड़े होते हैं कि नहीं पड़े होते हैं? Yes. वो सारे ट्रेंड्स कहाँ से हैं? Yep. वो यही ट्रेंड यही ट्रेंड ठीक है जैद अली टी इज़ अ मॉडर्न स्टाइल मॉडर्न वे ऑफ मेकिंग अ ट्रेंड उस जमाने में भी ये ट्रेंड्स मौजूद थे अल्लाह माफ़ करे ट्रेंड्स ही ना ये सारे जो जी अब ये हमने रस्म करनी है रस्म का मतलब ही ट्रेंड होता सी न, है सीधी सी बात है अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि खैर उन निका ही ऐसी सबसे बेहतरीन निकाह जो है वो सबसे आसान तरीन है और आप देखें शरीयत ने इतना उसको सिम्प्लीफाई कर दिया इतना सिंप्लीफाई कर दिया कि हर दूसरा बंदा निकाह कर सकता है तो सुभान अल्लाह एग्जैक्टली हमारे पास इसकी रियल लाइफ एग्जाम्पल मौजूद है यानी आज अगर एक बंदे को एक यानी आप अगले बंदे के ऊपर मजीद जिम्मेदारी डाल एक मिडिल क्लास बंदा ये इवन यार मैं कहता हूँ इवन अमीर आदमी भी है मालदार है ठीक है उसको पैसा खर्च करने का मसला नहीं है उसके सर में एक टेंशन तो है ना उसकी एक, एक एक्सपेक्टेशन एक सोसाइटल एक्सपेक्टेशन एक सोशल एक्सपेक्टेशन तो उसको पूरी करनी exactly, पड़ेगी कि नहीं exactly. और exactly. वो नहीं करेगा तो घर में लड़ाई भी हो सकती है झगड़े भी हो सकते हैं यार है। हमें पता है मुगिरा हमारे पास टीन आते हैं उनकी अनरियल एक्सपेक्टेशन है टीन गर्ल्स exactly. हमारी जो फीमेल्स काउंसिल करती हैं हमें पता लगता है उनसे कि दे, वो मतलब घर वालों को इतना तंग किया हुआ है टू बी ऑनेस्ट कि मैंने ये भी करना है मैंने, मैंने वो भी, भी करना, करना है ये भी होना चाहिए मेरे फंक्शन पे तो बहरहाल मैं आपको बता ही रहा हूँ कि आई आई होप ही हैज़ रेड दैट कमेंट इन और वी प्रे फॉर देम बड़ा टैलेंट है हमारे इन्फ्लुंसर्स में राइट एंड दे कैन क्रिएट समथिंग अमेजिंग कॉमेडी भी क्रिएट करते हैं अच्छी बात है कॉमेडी भी थोड़ा होना चाहिए बट इट वॉज वेरी इंकरेजिंग फॉर मी कि मोस्ट ऑफ द पीपल लाइक इट और बल्कि नीचे कमेंट्स फिर बड़े रीजनेबल कमेंट्स हैं कि नहीं बिल्कुल आप सही कह रहे हैं बड़ा थॉट प्रोवोकिंग पॉइंट है ये वो अलहमद ला अच्छा आ, चलें अब मैंने जैसे आप कहा ना देर इज़ अ रिग्रेट मोस्ट पीपल नो कि दिस इज़ नॉट राइट और वी आर गोइंग डाउन अ पाथ जिसका कोई एंड नहीं है ओबियसली तो प्रैक्टिकल सोल्यूशन वट वट शुड दे ड डू ओ के पता लग गया कि जी हम ठीक नहीं कर रहे जैसे वो मैंने एक इन्फ्लुंसर को कहा कि देखें यू आर शोइंग योर ब्यूटी टू सेल प्रोडक्ट्स योर यू आर डूंग मॉडलिंग तो मैं क्या आपको कहूँ मैं आपको येस तो नहीं कर सकता थम्स अप तो नहीं दे सकता येस यस कीप इट ऑन और बस इन इन चीज़ों का ख्याल रख लें भाई सीधी सी बात है हराम है इफ़ यू आर आस्किंग मी हल है हराम है तो हराम है यू आर शोइंग योर हेयर ठीक है ना सीधी सी बात है हराम है मुझे बताएँ कहाँ से फतवा आ जाएगा कि नहीं आपके लिए तो अब क्या करें प्रैक्टिकली वो एकदम से वो वो चैनल छोड़ दें ख़त्म कर दें उसको इनकम कहाँ से आएगी अब इनकम भी जुड़ी हुई है सी बात है प्रैक्टिकली क्या मैं एक ना एक छोटी सी मिसाल भी देना चाहता हूँ सोलूशन पर बात करने से पहले हमारे यहाँ माशा एक जोड़ा है प्रैक्टिसिंग माशा फैमिली है right. और माशाला फ्राम देयर पर्सपेक्टिव देर अ ग्रेट जॉब और वो माशाला नहीं। नहीं। उनका मकसद भी ये है कि हम कोई एक आइडियल कपल बना दिखा, के दिखाएँ यानी एक आइडियल कपल के तौर पर लोगों के सामने आए लेकिन इस आइडिया के पीछे ना एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम ये है कि जब वो आइडियल कपल के तौर पे सामने आते हैं ना तो नुकसान ये होता है कि अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस लोग जो है ना अटैच कर लेते हैं उसके साथ लड़का भी देख रहा है कि अच्छा ये लड़की ऐसी है और लड़की भी देख रही है कि ये लड़का ऐसा है मर्द ऐसा होना चाहिए हस्बैंड ऐसा होना चाहिए से, से, और वो अपने आप को बकायदा यूनिवर्सिटीज़ में जाके टॉक्स दे रहे हैं और वहाँ पे बाकायदा ये मतलब उनका ये एक्सप्रेशन दिखा रहे हैं कि शेयरिंग देर लाइव्स ऑन सोशल मीडिया इंस्टाग्राम एंड स्टफ़ और ना पीपल आर जस्ट गोइंग क्रेजी ही और क्या आइडियल चीज़ है आइडियल दुनिया हालांकि मुझे पता है कंफर्म कि जहाँ पे माशाल्लाह उनका ये अच्छा एक आउट 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 यानी यानी एक सामने नजर आ रही है हमें व्यू नजर आ रहा है उसके बैक एंड के ऊपर एक स्ट्रगल एक स्ट्रगल भी एक स्ट्रगल है, भी है। और वो स्ट्रगल ज़ाहिर है वो नहीं दिखा रहे जिसकी वजह से एक नौजवान जो नई नई शादीशुदा कपल है फॉर एग्ज़ाम्पल वो दोनों जो है ना वो उससे एक गलत इमेज ले रहे हैं गलत पिक्चर ले रहे हैं मेरे जिनमें ना एक रेडिकल थाट आता है मैं समझता हूँ कि यार क्यों नहीं हम ऐसा करें हमारे ड्रामे काम करते हैं लेकिन हमारा ड्रामा ना एक अल्लाह माफ करे गलत चीज़ की तरफ ले जाते हैं नहीं, नहीं। कि क्यों ना ऐसा करें कि सोशल मीडिया इंफ्लुंसर्स प्रॉब्लम्स को डिस्कस करें प्रैक्टिकल यार ये एक्चुअल रियल लाइफ इश्यूज हैं अब ये एक चैलेंज है कि किस तरीके से आप अपनी लड़ाइयाँ मिया बीवी की लड़ाइयाँ दिखाएंगे कि नहीं करेंगे एक्सपोज करेंगे कि नहीं करेंगे देखिए आपने मोहब्बत तो एक्सपोज कर दी सारों के सामने लड़ाई एक्सपोज करेंगे कि नहीं करेंगे सवाल ही पैदा होता से, है से, मैं समझता हूँ लड़ाई एक्सपोज करने का ना फायदा ज़्यादा है लोगों को पता चलेगा अच्छा यार ये और ये हम ड्रामों में कर सकते हैं एटलीस्ट चले रियल लाइफ में ना करें ड्रामो में कर सकते हैं देखिए खुदा के लिए जब मूवी आई थी ना और अभी भी ये मूवीज़ आती हैं इवन इन सब मूवीज़ के अंदर सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि वो एक गलत चीज़ को जस्टिफाई करते हैं एक गलत इंटरप्रटेशन ऑफ तीन के साथ सही, सही. मेरे उस्ताद हम और हम उस ज़माने में मैं क्या करता था जब खुदा के लिए मूवी आई थी कि यार ऐसा क्यों नहीं है कि अगर फॉर एग्जांपल एक फैमिली है जिसमें ये इश्यूज़ हैं एट दी एंड आपने इस्लामिक सॉल्यूशन की तरह एक प्रॉब्लम कर, करके इसके सॉल्यूशन करके दिखाई यानी एक प्रॉब्लम है क्यों नहीं हम ऐसा करते हैं कि एक प्रॉब्लम्स को हम डिस्कस करें और प्रॉब्लम को डिस्कस करने के बाद हम यह कहें कि यार ये इस्लामिक इस्लाम, इस्लाम यह कहता है एंड दिस इज द सोलूशन मैं कहता हूं कंफर्म वाला अगर आप किसी प्रॉब्लम को इस्लाम की सोलूशन की तरफ ले आए ना और बताएं कि इस्लाम किस तरीके से उस प्रॉब्लम को रिजॉल्व करता है और आप उसको इंप्लीमेंट करके दिखाएं वाला इट्स गोइंग टू बी सदगा जारी यू के यू के नॉट इमेजन तो किसी भी तरीके से आप अपने उस लाइफ के अंदर यानी लोगों के लिए अगर आप यह खैर दें सोल्यूशन आप बताएं प्रॉब्लम को बताएं लेकिन सोलूशन के साथ साथ वो सोलूशन जो हो ना वो कॉन्क्रीट हो वो 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 शरीफ यानी शरीर से ली गई हो किसी तरीके से और आप अपनी यानी अपने उस चैनल को इस तरीके से उसकी ओरिएंटेशन चेंज करें कि आप लोगों को उनके मसलों के हाल बताएं बताएं देखें जी मैंने ये स्ट्रगल फेस की है। और कुछ लोग करते हैं आपको याद है रेप जो होते हैं वो भी आके ओपनली हाउ डिड आई इसी तरीके से उसकी वजह से बहुत फर्क होता है फायदा पड़ता है लोग एक्चुअली देखते हैं कि हर यानी ये बंदा जो है फॉर एग्जाम्पल इसने स्ट्रगल किया तो वो मेनी पीपल रिलेट तो मिया बीवी के हर दूसरे बड़े मसले आप ऐसा करें कोई पांच से छ मसले पकड़ लें और आप उनको बताएं कि मिया बीवी से कम्युनिकेशन में

अगर आपका तकवा अलमदुल्लह आपको इतना रिग्रेट है इतनी रियलाइजेशन है मैं तो ऐसे लोगों को भी जानता हूँ मुरा कि जिन्होंने हु हैड द पोटेंशियल ऑफ हैविंग मिलियंस ऑफ फॉलोअर्स बट वंस दे केम टू नो इसमें एक्ट्रेसेस हैं hmm. मैं यहाँ पे मिसाल देना चाहूँगा सारा चौधरी बाजी की hmm. मतलब शी हैड अरियर इट वॉज ऑल सेट और यू you नो know के uh, मतलब ऑफ रीच का पोटेंशल नाउ शी इज़ शेयरिंग इस्लामिक कंटेंट अभी भी मिलियंस की फॉलोइंग है अलहमद लादर एग्जांपल सनम चौधरी ये मैं ऐसा नहीं है कि मतलब मैं कहूं कि आइडियलाइज करें खुत बट ऑबियसली इट्स अ गुड ट्राई माशाल्लाह दे डिड मेक एन अटेम्प्टिल भी ऑन सोशल मीडिया एंड करिएट सम मे बी सम अच्छी बात है वेरी नाइस nice. हिजाब लिया उसके बाद कंटेंट भी अच्छा है तो मैं तो ये कहता हूँ कि देखो अगर आपका तकवा इस लेवल का है तो छोड़ भी दो जितनी बड़ी चीज आप अल्लाह के लिए छोड़ोगे उतना ज्यादा अल्लाह इज्जत देगा आपको सुफ़ान अल्लाह एंजल्स आपको प्रेस करेंगे but there so much famous over जी देर आर सो मेनी पीपल हुन दिस सर देर आर सो मच फेमसोट की मिसाल है